आज का दिन शुक्रवार है, फ्राइडे, तो देखते हैं हमारे लिए फ्राइडे के लिए क्या गाइडेंस है। फ्राइडे के लिए है वेल वेरी नाइस कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि आज का दिन जो भी चीज़ें आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसी वैल्यूबल चीज़ खरीदना चाहते हैं वो आज आप ज़रूर ले सकते हैं अपने लिए। ऑल्सो टेकिंग केयर, आप क्या खाते हैं आज, इवन आप किस तरह के फ्रूट्स खा रहे हैं अपने लिए, क्या हेल्दी न्यूट्रिशन खा रहे हैं, उसके ऊपर भी आज ध्यान देने का अमेजिंग दिन है। तो हम स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। एरीज के लिए एडवाइस ये है कि कभी कभी जब हमें लगता है कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं तो उस डायरेक्शन को हम छोड़ भी सकते हैं। तो आज न्यू डायरेक्शंस, न्यू गोल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज बनाने का दिन है। तो आज का दिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास जो मैं कर रहा हूँ उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ और मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, फैंटास्टिक डे टू डू दैट। तो आज आप वो योजना बना सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉरस। टॉरस के लिए एडवाइस है क्वीन ऑफ वैंड्स, और आज के लिए ये डे ऐसा है कि जिसमें कि अगर आपकी कोई रिकवरी होनी थी, कोई आपकी चीज़ें आनी थी जो आपको लगता है कि मैंने बहुत दिन पहले काम किए थे, उनके आंसर्स आने का भी दिन है। कुछ चीज़ें आपने एक्ट्स पहले करे थे जिनको आपको लगता है कि प्रॉब्ली मेरे को कुछ भी नहीं उसका मिला, सो आज उनके बारे में सोच के अगर उन पर रीथिंक करके कुछ और उनमें काम करने की ज़रूरत है तो आज का दिन उसमें भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज जेमिनी। जेमिनी के लिए एडवाइस ये है कि आज की स्थिति पर अगर आप सोचेंगे कि ये दिन ऐसा है और कल भी ऐसा ही रहेगा तो ऐसा नहीं है। जो सिचुएशन अभी है वो एक घंटे बाद चेंज हो जाएगी और जो एक घंटे की सिचुएशन है वो कल चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिचुएशन अभी है अगर आपको लग रहा है कि इट्स बिकमिंग टू नेगेटिव, मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, गेट आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, थोड़ा सा उसमें से बाहर निकलिए और अपने आप को रिजुविनेट करिए और फिर वापस आके फिर से उस सिचुएशन के बारे में सोचिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि आपकी हेल्थ के लिए अगर आप सोच रहे थे कि मेरे लिए इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल हो रही है, लेकिन पहले अपने अंदर से हीलिंग शुरू करिए। अगर आपको लगता है कोई चीज़ें आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, तो आज का दिन अपने लिए, हेल्थ के लिए, चीज़ों के लिए प्रायोरिटाइज करके टाइम निकालने का है, क्योंकि जो चीज़ प्रायोरिटी बन जाती है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो आज हेल्थ को प्रायोरिटी बनाने का दिन है। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है कि जब तक आप डबल माइंडेड रहेंगे तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और जब आप डिसीजन लेने के लिए लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो टुडे इज अ डे, आज आप अपने से उन लोगों से मिल सकते हैं जिनको उसके बारे में एक्सपीरियंस हो, उनका आप आंसर्स ले सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नो आंसर इज नॉट एन आंसर, नो के आगे आपको बढ़ना है तो सोल्यूशन निकालना है, तो आज नो से आगे बढ़ के सोल्यूशन निकालने का दिन है। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है कि हो सकता है कि आज आप फील कर रहे हैं कि मेरे को किसी से मिलना है या बात करना है या समथिंग लाइक आई एम फीलिंग लोनली, तो पिक अप अ फोन, कॉल योर फ्रेंड, मिलने जाइए या उनको बुला लीजिए, और अगर लगता है मैं नहीं जा सकता हूँ तो एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या आपको लग रहा है कि जिनके साथ आपको प्रॉब्लम हुई है आप खुद भी पहल कर सकते हैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि जो भी आपकी सिचुएशंस चल रही हैं लाइफ में, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सेटल आउट हो जाएंगे, आप अपने राइट मार्ग पे अड़े रहिए एंड थिंग्स विल इम्प्रूव, स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है जस्टिस। जस्टिस मीन्स जो भी एक्ट्स आप कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है दैट दिस इज द बेस्ट आई कुड हैव डन, मैंने अपना वर्क हार्ड किया है, मैंने पेशेंस किया, तो लेट्स स्टे बाय इट, उसको डाउट मत करिए। जैसे ही हम डाउट करते हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज नेगेटिव हो जाती है, तो प्रॉब्ली अभी आंसर नहीं है, शायद 10 दिन बाद मिले, लेकिन अपनी अपॉर्चुनिटीज को नेगेटिव मत देखिए, यू से दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड मुझे ये अचीव करना है। नेक्स्ट इज सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है कि जितना भी आप समझेंगे कि मैं आउट ऑफ फोकस हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेडिटेशन, डू मेडिटेशन, जो भी आप डिसीजंस भी लेना चाहते हैं उस पर भी मेडिटेट करिए कि मैं ये डिसीजन गुस्से में ले रहा हूँ या मैं डिसीजन समझ के ले रहा हूँ, या दिस डिसीजन आई एम टेकिंग फॉर द गुड ऑफ माई सेल्फ, या मैं इससे मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है, तो वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग, फोकस करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप 5 मिनट ओम करिए,
कोई भी डिसीजन ऐसा हो, मूड खराब है, आप ओम जरूर करें, आपको आंसर्स आएंगे, क्लियर माइंड से आप सोच पाएंगे। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एडवाइस ये है कि ये आपके ऊपर है कि आप लाइफ को कैसे अपना बनाना चाहते हैं। आपको कोई बता नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे लोग बता रहे हैं, लेकिन इट इज यू हु इज डिसाइडिंग। तो कैसे पैसे खर्च करने हैं, कहाँ से आने हैं, कहाँ लगने हैं, ये सब आपके अंदर है। सो डिसाइड एंड अपनी स्टोरी आप ही लिख रहे हैं। सो ब्लेम करना बंद करिए यार्स। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है कि हो सकता है जो आप करना चाहते हैं पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जब भी कोई नया चेंज होता है शायद लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर आप किसी चीज में बिलीव कर रहे हैं और चेंज करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी चेंज करना चाह रहे हैं, गो अहेड, वेरी गुड टाइम फॉर दैट। नेक्स्ट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस के लिए एडवाइस ये है कि अपनी इंट्यूशन को लिसन करें। ये मत सोचिए कि मैं हार गई हूँ या हार गया हूँ या लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। ओनली यू कैन डिफेंड योर सेल्फ। अगर आप गलत अपने बारे में सोच लेंगे तो आप ही खुद को ही हरा लेंगे। तो आज का दिन ये है कि फिर से उठें, अपने कामों में लगें और जो भी आपने गोल्स बनाए हैं उस पर फिर से जुट जाएं। नहीं मिले थे पिछली बार, कोई बात नहीं, आज से हम नए गोल्स बना रहे हैं और फिर से उनकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सो आज का दिन फिर से सेलिब्रेट करने का दिन है। तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा रहेगा। हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।